हमारा कितने लोग हैं जो बता सकते हैं गौरी से नफरुद्दीन तक क्या क्या हुआ? बोलिए, बता दोगे? नहीं, कभी खुद से भी बताओ ना सारी चीजें, आप रिलेट नहीं कर पाओ उसके बाद कौन सा राजा है कौन शासक आया, बता सकता है कोई? बता सकते हो ना? बताओ रे सब। चलो गौरी, ऐबक, आराम सा, बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश, बहुत बढ़िया, रजी आ गई रुकनुद्दीन फिरोज के बाद, ठीक है। अब बहराम सा, बहुत बढ़िया, मफूद सा और नफरुद्दीन महमूद, ठीक है। अब कौन आएगा? बलवन। तुम्ही को क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है यहां तक? बता दोगे नायब मुमालिकत का पद किसने बनाया? पता है ना सारी चीजें, है ना? बलवन का शांति निर्माण का काल किस समय, किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? बलवन के शांति निर्माण का काल महमूद नहीं, मफूद है, अलाउद्दीन मफूद सा। क्लियर है ना सारी चीजें? अच्छा एक बात याद रखिएगा, बलवन तक, सॉरी मफूद के टाइम तक जो है बलवन ने, मफूद और नफरुद्दीन महमूद के टाइम तक बलवन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, पर सारे लोगों को अपना लोहा मनवा दिया था, हर कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। अब सर जी बलवन के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं आपको, कि बलवन स्टार्टिंग में कौन है? इलवारी तुर्क है, इलवारी तुर्क है। कहते हैं कि मंगोलियों ने इसे जो है एक बार पकड़ लिया था और लाकर कहां पे बेच दिया, जो है बगदाद के बाजार में इसको बेच दिया बलवन को। सुनिएगा, जब ये बालक था तब मंगोलों ने इसको पकड़ लिया और जनरली उसे एज ए गुलाम की तरह कहां पे बेच दिया? बगदाद में। और बगदाद में इसको बेचा गया, वहां पे एक व्यक्ति था जमालुद्दीन बफरी। अच्छा कौन बताएगा इल्तुतमिश को किसने बेचा था? जमालुद्दीन महमूद, है ना, मोहम्मद, है ना, उसने बेच दिया था। ऐसे इसको किसने बेच दिया? जमालुद्दीन बफरी ने। किसने बेच दिया? जमालुद्दीन बफरी, सॉरी जमालुद्दीन बफरी ने मंगोलों से खरीद लिया इसको। अब फर्जी बफरी इसको लेके आया ग्वालियर, और इस टाइम पे इल्तुतमिश कर रहा था ग्वालियर का अभियान, और ग्वालियर को जीतकर जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो जमालुद्दीन बफरी ने बलवन को बेच दिया किसको? इल्तुतमिश को। तो इसका प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि इनके पिताजी कौन रहे हैं क्या नहीं रहे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 10,000 खान लोगों का इसका एक परिवार था, अच्छा खासा ठीक ठाक इसकी स्थिति थी। और बचपन में जो है इसको मंगोलों ने उठा के कहाँ पे बेच दिया? बगदाद में। बगदाद में एक व्यक्ति था कौन? जमालुद्दीन बफरी, उसने इसको खरीद लिया और जमालुद्दीन बफरी ने ला के कहाँ पे बेच दिया? दिल्ली में इल्तुतमिश से। उससे पहले इल्तुतमिश क्या करके आ रहा था? ग्वालियर अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्वालियर के अभियान के बाद ही उसने बलवन को खरीदा था। अब बलवन को जैसे ही खरीदा, इल्तुतमिश उसकी जो है जो भी उसकी क्वालिटीज थी उससे प्रभावित हो गया और उसे सबसे पहले सर ए जादार का जो है पद दे दिया। क्या दे दिया? अरे रुक जाओ, माधव जी सिंधिया, इल्तुतमिश जानती हो? अभी ये टाइम कौन सा चल रहा है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये बताओ, मिडाइवल, और मिडाइवल का भी प्रारंभिक भाग, और वो है मॉडर्न में, ये 1200 चल रही है, और वो लग का आपका 1700 की टाइम की बात है, मतलब लगभग 500 साल का डिफरेंस है दोनों में। बात समझ पा रहे हो? मराठी है वो, अभी कंफ्यूजन तुम्हारी जो भी दूर है, इल्तुतमिश नहीं है, इतना याद रखो, है ना। अब सुनिएगा मेरी बात कि कहां पे कहां तक बता दिया था मैंने? हाँ, सबसे पहले इसको जो है इल्तुतमिश ने कहेगा पद दिया सर ए जादार। अब याद रखना ये कहानी बिल्कुल एडजेक्टिव में भी पूछूंगा, याद करना साथ में, है ना। सर ए जादार का पद दे दिया। सर ए जादार का जो पद होता है उसको बोलते हैं, जो शाही अंगरक्षक होते ना उनका प्रमुख जो होता है उसको बोलते हैं सर ए जादार। पहली चीज समझ में आ गई, शाही अंगरक्षक जो बॉडी गार्ड्स होते हैं ना, है ना, राजाओं के जो बॉडी गार्ड्स होते हैं उनके प्रमुख यानी उनका जो चीफ होता है उसको क्या बोलते हैं? सर ए जादार। पहली बात समझ में आ गई क्या? और ये पद इसको किसने दिया? याद रखना जो भी मैं बोल रहा हूं अभी, देखना, इल्तुतमिश ने दे दिया सर जी, ठीक है। काय का पद दे दिया? सर ए जादार का पद दे दिया। और आपको पता है सर ए जादार इल्तुतमिश ने पद दे दिया, उसके बाद कौन आया इल्तुतमिश के बाद? आराम शाह। आराम शाह का बहुत कम समय रहा।
अब कौन आया? रजिया सुल्तान। तो ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज जो आया, उसके बाद कौन आया? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान भी इसको कुछ देगी, तो उसने इसको एक पद दिया क्या? अमीर शिकार। ये बात समझ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये प्रोग्रेस बता रहा हूं मैं बलवन की, कैसे एक गुलाम से बनके कैसे बन रहा है। बात कहानी समझ में आ रही है ना? तो इसको क्या बना दिया उसने? अमीर ए शिकार। और ये किसने बनाया इसको? रजिया ने। अब फिर वही बात कि अमीर ए शिकार कौन? ये लिखते चलना सारे जानवर वगैरह, ये इंपोर्टेंस है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या शायद सर ये कुछ चीजें नहीं होंगी इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। सरे जानवर का मतलब होता है जो फाई अंगरक्षक होते हैं, रॉयल जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनका चीफ। बात समझ में आ गई? वो कौन? सरे जानदार। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। सर जी रजिया सुल्तान ने इसको बना दिया क्या? अमीर शिकार। अब अमीर शिकार कौन होता है? जब राजा शिकार करने के लिए जाता है ना, तो उसका सारा बंदोबस्त एक व्यक्ति करता है, उसका नाम होता है अमीर शिकार, वो पद होता है। बात समझ में? यानी जब भी राजा शिकार के लिए जाएगा तो उसके लिए जो भी मैनेजमेंट कौन बैठाएगा? अमीर शिकार। तो अमीर शिकार इसको किसने बना दिया? समझ में नहीं आया क्या? अमीर शिकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये? जैसे मान लीजिए चीफ ऑफ बॉडीगार्ड, जैसे उसको बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे? अगर मतलब मैनेजमेंट है, चीफ ऑफ हंटर नहीं है, है ना? यानी कि राजा है, जैसे मान लीजिए शिकार करने जा रहा है, हंटिंग मैनेजमेंट ऐसा कुछ करता है, हंटिंग मैनेजर ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। एज इट इज दिया है, अभी आपको मैं बता दूंगा, है ना? हंटिंग मैनेजर था एक तरीके से। और मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मेरी इधर देखो थोड़ा, आप मैडम देखिएगा, इनका आप वो मत करना, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स वगैरह, ये बिल्कुल जहर हो जाएगा, है ना? इसीलिए तो नहीं पूछ रही थी आप? पक्का? अच्छा, याद रखने के लिए। हाँ, ये एडजेक्टिव शब्द लिखने हैं इंग्लिश में, है ना? ये पद है, समझ रहे हो, है ना? मतलब समझने के लिए समझ लीजिए। अब कोई राजा शिकार करने के लिए जाएगा, अब शिकार के लिए जाना है तो खाना वाना सारी रसद वगैरह अवेलेबल कौन कराएगा? अमीर शिकार। और बनाया किसको इसने? हाँ, रजिया सुल्तान ने बना दिया। अब रजिया सुल्तान के बाद आपको पता है कि नफरुद्दीन महमूद के टाइम पे ये कौन बन गया था? नायब। कौन बन गया था ये? नायब। तो नायब ए ममालिकात, मैं सिर्फ कुछ पद बता रहा हूँ आपको, नायब ए ममालिका। और नायब कौन था, कौन बताएगा? मुझे बताओ नायब का पद क्या था? राजा का एक तरीके, राजा की सारी शक्तियों का केंद्र किसको बना दिया था? नायब को बना दिया था। कि राजा के पास अधिकार तो हैं, बट वो उन अधिकारों का प्रयोग तब करेगा जब नायब की अनुमति ले लेगा। और ये क्यों किया था? ताकि सुल्तान के पद को कमजोर किया जाए। अमीर तुर्कों का एक षड्यंत्र था सर। अब प्रोग्रेस देख रहा है उसकी। और नफरुद्दीन महमूद के बाद 1266 के बाद तो खुद क्या बन जाता है? सुल्तान। यानी कि गुलाम से सुल्तान बनने तक की जर्नी समझ में आ गई क्या? इसको इसका मालिक कौन था, कोई बताएगा? जमालुद्दीन बसरी। याद रखिएगा, किसने बेचा था इसको, इल्तुतमिश को? जमालुद्दीन मंगोलों ने बेचा था। जमालुद्दीन बसरी मंगोल नहीं था, ये मुस्लिम था, तुर्क था, ये तुर्क है ना, इसने मंगोलों से खरीद लिया था। यहां तक की जर्नी समझ में आ गई। सरे जादार क्या होता है? शाही सेना का प्रमुख, ठीक है। अमीर है शिकार, शिकार करने वाले के बंदोबस्त करना, शिकार राजा का जो शिकार होगा। उसके बाद क्या है? नायब ममालिकात। ये याद रखना किसके टाइम पे बना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है? वर्जी इतनी कहानी होगी, अब एक मिनट सुनिएगा मेरी। जो फाई अंगरक्षक होते हैं ना, बॉडीगार्ड्स, रॉयल बॉडीगार्ड्स जो रहते हैं, उनका चीफ होगा। नहीं समझ में आया? फाई अंगरक्षक का मतलब समझ रहे हो? आप मान लीजिए राजकुमारी हैं, ठीक है, और ये हम दो चार लोग मिलके कौन आपकी रक्षा करेंगे, ताकि कोई आपको इजीली से मार ना दे, तो हम कौन हो जाएंगे? आपके शाही अंगरक्षक हो जाएंगे, ठीक है? इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब बलवन के राजा बनने के बाद का टाइम देखिएगा। अब फिर जैसे ही सुल्तान बना, तो उसके सामने तीन प्रॉब्लम आई। कहानी सुना रहा हूँ, पूरी कहानी की तरह याद रखोगे तो याद रहेगा, रटने की कोशिश करोगे तो सब इकट्ठा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। तो तीन प्रॉब्लम उसके सामने आई। सबसे पहले देखिएगा, तीन प्रॉब्लम। सबसे पहले इस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मंगोल लोग बहुत परेशान कर रहे थे, तो मंगोल आक्रमण का भय था एक तो,
ठीक है सर जी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आपने देखा कहां से, इल्तुतमिश से आराम शाह को हटा के किसको बना दिया, रजिया को बना दिया, रजिया को हटा के रुकनुद्दीन को बना दिया, रुकनुद्दीन को हटा के बहराम को, बहराम को हटा के मसूद को, मसूद को हटा के नफरुद्दीन, और स्वयं फिर बलबन बन गया। तो ये सारा सीन एक चीज दिखा रहा कि सुल्तान की ताकत कितनी कमजोर हो गई है, यानी कि सुल्तान के पद की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रही है, सुल्तान मात्र पपेट बन के रह गया है तुर्क अमीरों के हाथों का। तो सबसे पहले दूसरी समस्या जो बलबन के दिमाग में आएगी, सर जी कहीं ना कहीं सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है ना, तो दूसरी क्या, सुल्तान की प्रतिष्ठा, ये दूसरी समस्या है इसकी। हाँ तो नायब ममालिक का पद क्या है, सुल्तान की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए पद बनाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चेलगानी में ये बलबन इल्तुतमिश के टाइम से ही है, मैं बता तो रहा हूँ, अभी इसका धीरे छोटा छोटा रोल है, लेकिन मसूद शाह और जो है नफरुद्दीन महमूद के टाइम पे ताकतवर व्यक्ति बन के सामने आया, बात समझ रहे हो ना। अब देखिएगा तीसरा कारण था बंगाल का विद्रोह इसके टाइम पे, अपन एक्चुअल में बंगाल का विद्रोह, ठीक है सर जी। और बंगाल का जो विद्रोह कर रहा था वो एक व्यक्ति था तुगरिल खान, नाम याद रखो तुरंत, तुगरिल खान। और एक कारण और देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको बता दूं, वैसे तो जनरली वो छोटा कारण है लेकिन याद रखना है ना, मेवात जो था ना, मेवात दिल्ली के पास वाला एरिया, इसमें एक जाति रहती थी मेव, जो पहले हिंदू जाति थी, अब तो 99% वो मुस्लिम हो चुके, कन्वर्ट हो चुके हैं, जितने भी मेवाती लोग हैं अब 99% मुस्लिम हो चुके हैं, मुस्लिम बहुल संख्या वाला क्षेत्र है दिल्ली में, ठीक है। अच्छा आपने अगर वो देखते हो सिंगर है, क्या नाम है उस लड़के का, अभी नया लड़का है जो आतिफ असलम नहीं, अभी नया बना है ये सलमान, हाँ इंडियन जो आइडल जीता था, वो कौन है, मेवात का, मेवाती व्यक्ति है वो। तो पहले ये सारे कहते हिंदू थे, बाद में अब कन्वर्ट हो गए, इस्लाम अपना लिया है सारे लोगों ने, क्या हाँ हरियाणा वाला एरिया ना, दिल्ली के आसपास वाला एरिया। देखा तो इसमें एक जाति थी कौन सी, मेव, और मेव लोग बलवन के टाइम तक इतने ताकतवर हो गए थे, फिर ये एक तरीके डाकू प्रवृत्ति के लोग थे, कभी भी दिल्ली पे आक्रमण कर देते थे, दिल्ली से और कोई भी बाहर निकलता तो उनको मारते थे तुरंत, है ना, कोई भी जैसे लूट लेते थे। तो इनकी चार समस्या सबसे पहले बलवन के सामने आई, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं के साथ बलवन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर जी। देखिएगा सबसे पहले क्या, मंगोलों का आक्रमण, ठीक है। तो अगर इसे उत्तर पश्चिम मान लिया जाए, एकमात्र यही एरिया है हमारा उत्तर पश्चिम का, है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला का यहां से कोई एंट्री कर सकता है। तो बलवन के दो लड़के थे, नाम याद करिएगा, पहले लड़के का नाम था शहजादा मोहम्मद, मोस्ट इंपोर्टेंट, शहजादा मोहम्मद, ठीक है, और दूसरा लड़का था बुगरा खां, बकरा नहीं बुगरा, ठीक है। पहला कौन सा, शहजादा मोहम्मद, लो यहां पर याद करो, यहां पर देखना, इसे उत्तर पश्चिम सीमा है। तो बलवन ने क्या है, ऐसे कतार में किले बनवाए मंगलों से रक्षा करने के लिए, फिर इधर से एक कतार कतार में किले बनवाए, एक कतार के किले दे दिए किसको, शहजादा मोहम्मद के अंडर में, कि भैया तुम्हारा ये काम है कि इधर से कोई मंगोल आ ना पाए, शहजादा मोहम्मद, बड़ा ही शानदार व्यक्ति था, शानदार लड़ाका था ये शहजादा मोहम्मद। और दूसरा जो किले की जो लाइन है वो किसको दे दी, बुगरा खां को, देखिएगा बुगरा खां। और इस तरीके से इन लोगों ने मंगोलों को कभी एंट्री नहीं होने दी। सबसे पहले मंगोलों से रक्षण हेतु किले किसने बनवाए, बलवन ने, किसको नियुक्त किया, ये दो लड़के इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रखो, आगे इनकी इंपोर्टेंस है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, बात समझ में आ गई। तो इसने ऐसे किले बना दिए, तो अब जब भी मंगोल आक्रमण करते तो ये दोनों बंदे दबा के मार देते मंगोलों के, कभी मंगोलों को एंट्री नहीं करने दी भारत में। और मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी 1259 में नफरुद्दीन महमूद के टाइम पे मंगोलों को खुद भी हरा चुका था, तभी तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी, बात समझे। तो मंगोलों को इनने अंदर एंट्री नहीं आने दी, तो पहले सबसे पहले उसने मंगोलों से निजात पाया। अब फिर दूसरा कारण वो बाद में देखेंगे, सुल्तान की प्रतिष्ठा, वो देख लो बंगाल का विद्रोह, बंगाल का शासक कौन, तुगरिल खां, कौन सर जी, तुगरिल खां, इसने विरोध कर दिया, तुगरिल खां ने, इसने बोला कि सर हम बलवन को नहीं मानते, स्वतंत्र शासक हो गया, अपने नाम के खुतबे पढ़वा दिए, खुतबे है ना, खुतवा एक तरीका, फतवा नहीं, खुतवा ये होता है, जैसे दिल्ली का सुल्तान मान लीजिए अलाउद्दीन के टाइम से मान लो, उसके बाद कौन बना, फिर मान लो मैं बन गया, तो मैं खुतवा पढ़वाऊंगा कि दिल्ली के सुल्तानों में ऐसी लाइन थी, उसी लाइन में अब क्या मैं आ गया, इसका मतलब ये है कि मैं अब एक स्वतंत्र सुल्तान हूँ, खुतवा पढ़वाने का, बात समझ आ गई,
मतलब सुल्तानों के नाम गढ़वाना वही खुतबा पढ़वाना होता है। और अपने नहा ओपी फील अनाउंसमेंट कर दिया और अपने नाम का उसने क्या सिक्के ढलवाने स्टार्ट कर दिए। और ये बात पता चली किसको? बलवन को। तो बलवन का दिमाग खराब, बलवन ने अपना लड़का बुलाया कि कौन कौन को? शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां को। उनने बोला उत्तर पश्चिम में फेना छोड़ो, मेरे पास आओ आप तुरंत के तुरंत। और अपन चल रहे हैं कहां पे? बंगाल में। अच्छा, उसने लड़के बुलाने से पहले एक और याद रखना, बलवन का अवध का एक सूबेदार था अमीन खां। क्या नाम है सर? अमीन खां। कहां का सूबेदार है ये? अवध का सूबेदार है। नाम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कहानी से याद रखोगे तो याद रहेगा, है ना। अमीन खां कौन सूबेदार था? अमीन खां। अब पहले तो बलवन ने अपने लड़के बुलाने से पहले इनको भेजा कि सर जाइए आप और क्या करो, बंगाल का विद्रोह दबाओ। अवध का सूबेदार अमीन खां वहां पे गया, लेकिन तुगरिल खां जो कि ताकतवर व्यक्ति था, उसकी कैपिटल थी बंगाल की उस टाइम पे लखनौती। और मैं आपको बता दूं लखनौती को विद्रोहों का नगर कहते हैं। किसको बोलते हैं? विद्रोहों का। एक्चुअल में क्या था, बंगाल जो एरिया है संपन्न एरिया था, गंगा का दुआब था, ब्रह्मपुत्र का दुआब है, तो अच्छा खासा अनाज उगता है वहां पे। अब अनाज उगेगा तो सुल्तान वहां का कैसा होगा? ताकतवर होगा, पैसे की खाने पीने की कभी कमी नहीं रही, और दिल्ली से दूर भी है। तो जो भी बंगाल का सूबेदार होता है अक्सर बार बार दिल्ली के खिलाफ क्या करता है? विद्रोह कर देता है और खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो ये समस्या चलती रही, और यही कारण है कि बंगाल की राजधानी जो लखनौती है उसको क्या बोला गया? विद्रोहों का नगर। कि हर बार विद्रोह कहां होता है? लखनौती में ही होता है। बात समझा कि अमीन खां वहां पे पहुंचा, तुगरिल खां ताकतवर, उसने अमीन खां की सेना को बहुत मारा। अमीन खां जैसे तैसे अपनी जो है जान बचा के भागा। बलवन को पता चला कि अमीन खां भाग के आया है। तो बलवन तो वैसे ही पता ही आपको है ना कितना खतरनाक व्यक्ति है। उसने बोला अच्छा भाग के आया है, एक काम करो इसको अवध के फाटक पे लटका दो। तो उसने अपने ही सूबेदार को ले जाके कहां ठुकवा दिया? अवध के फाटक में। मतलब उसके सीने में एक जो कील होती है बड़ी वाली, वो गड़वा दी और फाटक पे ऐसे करके लटका दिया। किसको? अमीन खां को। अब अमीन खां का किस्सा खत्म हो गया। अब उसने अपने लड़कों को बुलाया, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां को, और खुद तीनों बंदे कहां निकल पड़े? बंगाल की तरफ। और तुगरिल खां जो है लड़ते लड़ते भाग गया फिर वहां से। तो उसका बलवन का कहते हैं एक सैनिक होता है तुगरिल खां को मार के उसका सर कटा हुआ लेके आते हैं। अब बलवन की गुस्सा तब भी शांत नहीं हुई। बलवन ने बोला इसके समर्थक कौन कौन थे? तो बहुत सारे लोग निकल के आए। तो लोगों ने सलाह दी कि रहन दो यार, कि बहुत ज्यादा है, मारा उनको ज्यादा जो कम होते हैं, अब इतने लोग इनको मार दोगे बहुत बड़े विद्रोह हो जाएंगे। बलवन का नहीं सर, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बलवन ने इंग्लिश में बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या करना चाहिए सर? तो एक काम करो, 10 मील लंबी रोड थी एक, उसके दोनों तरफ ऐसे ये मान लीजिए ऐसा ये रोड है ऐसे पिलर लगवा दिए, तख्त समझते हो तख्त, इससे मान लो इतना बड़ा ये काठ का तख्त लग जाएगा, और इसी में किसी व्यक्ति को ठोक दो ऐसे करके हाथ पे लगा के। तो हाँ एक तरीके से चढ़ा देना ना। तो उसने 10 मील लंबी एक रोड थी उस पर चारों तरफ तख्त लगवा दिए दोनों तरफ, है ना। और सर जी मैं आपको बता दूं, ये तख्त लगवा दिए गए और उसने कि जितने भी विद्रोही थे गड़वा दो इन तख्तों पे। अब 10 मील लंबी रोड कितनी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब उसने सारे विद्रोहियों को दबा दिया, उसमें गड़वा दिया गया, खून निकल रहा है एकदम, रोड जो है लाल लाल हो रखी है। शहजादा मोहम्मद से बोला कि सर आप जो बंगाल में अव्यवस्था फैली हुई है इसको जो है संभालो। और बुगरा खां से बोला कि चलो आओ घूम के आते हैं। उसके दिमाग में चल रहा था कि बुगरा खां को अभी आगे क्या बना दें, इक्तदार बना दें। उसने कि उससे पहले उनको कुछ ज्ञान दे दें। तो बुगरा खां को साथ लिया और रोड पर निकल गया खुद अकेला टहलने के लिए बुगरा खां को लेके। बुगरा खां खुश कि पापा क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं हमारे साथ में। अब थोड़ी दूर निकला तो बुगरा खां थोड़ा कमजोर व्यक्ति था, उसने देखा इधर उधर खून हो एकदम, से उसके हाथ पैर कपने लगे। फिर उसने बलवन ने उसके कंधे पे हाथ रखा कि बेटा देखो दिल्ली के खिलाफ विद्रोह करने वालों के साथ ये होता है, और कभी भी दिमाग में लाना मत विद्रोह करने की। इतने में तो बुगरा खां की सांस फूल गई, उसने सर ये क्या हो गया, ठीक है। और बुगरा खां पापा कैसी बात कर रहा है, कर भी नहीं सकते हम, सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है नहीं सोच सकते तो बंगाल के इक्तदार आज से आप। अब दूसरा प्रश्न ये कि बंगाल का इक्तदार किसको बना दिया? विद्रोह किसने किया था? दबाने कौन गया था अवध का? अमीन खां। अमीन खां मारा गया, अवध के फाटक पर लटका दिया गया। इतनी कहानी समझ में आई क्या सर? शहजादा मोहम्मद को फिर से आदेश दिया गया कि सर जी जाइए कहां पे, फिर से पहुंचे उत्तर पश्चिम में, मंगोल से रक्षा करो। लौट के बंगाल दिल्ली वापस आ गया कौन? बलवन। अब कहते हैं कि इसी बीच में जो शहजादा मोहम्मद मंगोलों से रक्षा कर रहा होता तब एकदम से अच्छा व्यक्ति था और बहुत वीर व्यक्ति था, और कहते हैं कि बलवन को बड़ा ही घमंड था उसके ऊपर। किसके पास? शहजादा मोहम्मद के ऊपर, है ना।
अब फैजादा मोहम्मद वहां पे जो है रक्षा कर रहा था उत्तर पश्चिम सीमा की, तभी मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, छोटी सी झटपट लड़ाई के बाद वो मारा गया। अब फैजादा मोहम्मद इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने दरबारी जीवन फैजादा मोहम्मद के अंडर में ही स्टार्ट किया। बात समझ में आ पाई क्या? अगर किसी शासक के अंडर में आया तो कौन था वो? फैजादा मोहम्मद। हाँ, पहला वही व्यक्ति था जिसके अंदर कौन काम करता था? अमीर खुसरो। पहली बार उसने अपने दरबार में बुलाया, अपना कवि बनाया। अब वो मर जाएगा तब ये कहाँ जाएगा? दिल्ली बलबन के पास आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो अमीर खुसरो का जीवन काल कहाँ से स्टार्ट हुआ? दरबारी जीवन काल फैजादा मोहम्मद के। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? फैजादा मोहम्मद समाप्त, और सारी जगह आसपास समाप्त हो चुकी है। अब थोड़ा सा देखना मेवातों, मेवों के बारे में तो और देख लो। दिल्ली का आसपास वाला एरिया था, मेवात लोग बहुत परेशान करते थे। तो बलवन का एक बार दिमाग खराब हो गया, कहते हैं कि मेवातों के विरुद्ध उसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। किसकी? लोहे एवं रक्त की नीति, यानी कि मेवातियों को पकड़ो तो पकड़ो सर, जो विद्रोह कर रहा है उनको तो मारी दो, प्लस इसके बच्चे, मम्मी पापा, उसके खानदान, उसके रिश्तेदार जो भी हैं सबको मार दो। इसे कहते हैं लोहे एवं रक्त नीति, यानी कि जो विद्रोह कर रहा है वो तो अकेला, उसको मारो तो मारो, उसके बाद उसके फैमिली में जितने भी बंदे हैं, उसके रिश्तेदार जितने, सबको खत्म कर दो। इसे बोलते हैं क्या? लोहो एवं रक्त की नीति, यानी कि अपना विद्रोहियों का बहुत ही निर्ममता पूर्वक दमन। बात समझ में आ गई क्या? तो मेवातों के खिलाफ उसने काय की नीति अपनाई। बात समझ में आ गई? उसने दिल्ली के आसपास का जो एरिया था उसमें दूर दूर तक जंगलों का साफ करवा दिया। उसने कुछ सारे दिखने चाहिए, क्या होता वो अटैक करके जंगलों में छुप जाते थे, तो अपनी सारा दिल्ली के आसपास का लोग जो है क्या कर दो, साफ करवा दो। और मेवातों ने अति भी बहुत कर ली थी। बर्नी एक इतिहासकार है जो कहता है सर जी कि मेवातों ने इतनी अति कर ली थी कि अगर कोई दासी या कोई स्त्री कभी दिल्ली से बाहर पानी भरने के लिए भी चली जाए ना, तो उसको भी वो निर्वस्त्र करके छोड़ते थे, है ना, उसके कपड़े तक लूट के ले आते थे। मतलब इतने भयंकर लुटेरे थे और उन सबको मार देते थे। कौन? मेवात लोग। जिससे क्या? बलबनों ने उसका क्या, उससे छुटकारा पाया। बात समझ आ गई क्या? अब हम इसका क्या देखेंगे? राजत्व का सिद्धांत। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्या देखो, दो पॉइंट क्लियर हो गए, मंगोल का आक्रमण, बंगाल का विद्रोह, और मेवात का जो है मेवातों की समस्या। अब क्या है? सुल्तान की प्रतिष्ठा। देखिएगा, अच्छा यहाँ एक चीज याद रखना, जब मंगोलों से लड़ने के लिए तैयारी की तो उसने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। अब मंगोलों से लड़ना तो सेना बनानी पड़ेगी। अब फर्जी जब उसने सेना का निर्माण किया तो सेना को मैनेज करने के लिए कोई विभाग चाहिए होगा, तो उसने एक विभाग बनाया क्या? दीवाने अर्ज। बोलिएगा क्या बनाया उसने? दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज को बोलते हैं सैन्य विभाग, मतलब जहां सैनिक मैनेजमेंट सारा चलता है वो कौन सा है? दीवाने अर्ज। बात समझ में आ गई क्या है? और इसका जो उसने इमादुल मुल्क को उसका अध्यक्ष बनाया, दीवाने अर्ज का, है ना, इसका अध्यक्ष होता अर्ज ममालिकात। याद कर पाओगे क्या? आर्य मवाले या अर्ज ममालिकात? आर्य ममालिकात नहीं याद हुआ, लिख देता हूं मैं इधर। देखो इसने किसकी स्थापना की? दीवाने इमादुल मुल्क। दीवान ए अर्ज। अब ये इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है? सैन्य विभाग। याद करो तुरंत के तुरंत, सैन्य विभाग को क्या बोलते हैं? दीवाने अर्ज। और इसका जो उसने अध्यक्ष बनाया वो किसको बनाया? इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क उसने क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया, है ना, आर्य ममालिकात, है ना, या अर्ज ममालिकात। बात समझ में आ गई क्या? नहीं, जैसे विभाग क्या? दीवाने अर्ज। अब इसका जो कोई चीफ होगा वो कौन होगा? अर्ज ममालिकात या अर्ज ममालिकात। बात समझ में आ गई क्या? और अर्ज ममालिकात कौन बना पहला? इमादुल मुल्क। लिख दूं क्या? अर्ज ए ममालिकात। क्या अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई एज इट इज याद है? कितने लोग बिल्कुल उसी कहानी की तरह सुना देंगे? ये हाथ कम क्यों उठते हैं? मेरे में कोई समस्या आती है क्या पढ़ाने में? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, या दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा हूं या फिर आप सही नहीं पढ़ रहे हो। क्या समस्या आ रही है बोलो मुंह से? अरे सर, आपकी भी बुराई नहीं कर सकते, अपनी तो कर ही नहीं सकते नहीं तो अभी तक क्लियर बता देते हैं। दिक्कत क्या आ रही है? जैसे मैंने कहानी सुनाई आपको कि बलवन का ऐसे ऐसे हुआ, बफरी नामक व्यक्ति ने उसको बेच दिया, क्या दिक्कत आ रही है? तो इसने उसको ग्वालियर बहन के बाद खरीद लिया, इसमें क्या समस्या है? ठीक है, अब जे 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 पूछूंगा अभी तुमसे, नाम भले ही ना हो, अभी अभी सुन लेंगे ना, ये हो जाएगा बात। देखिएगा,
अब इतनी सी बात समझ में आ गई। अब वो कोई भी काम करेगा तो किसके लिए करेगा, सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए। बात समझ में आ रही है। अब उसने सारी चीज़ों को बैलेंस कर लिया, उसने मंगोलों से निजात पाली, बंगाल वालों से निजात पाली, है ना, मेवातों से निजात पाली। अब ये तुर्की जो अमीर है नाटक कर रहे हैं ना, तो उसने क्या किया, अब क्या करना चाहिए फिर, अब उसने की सुल्तान को ताकतवर बनाओ, सुल्तान का एक अदब, मतलब एक लोग उससे झुकने चाहिए। तो सबसे पहले जो वो काम करता है इस दिशा में, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तुर्क चहलकानी को खत्म करेगा। क्या, तुर्क चहलकानी। उसने की ये लोग बहुत नाटक करते हैं साले, ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इनको हटाओ। तो प्रतिष्ठा के सामने उसने सबसे पहले क्या किया, तुर्क तुर्क चहलकानी को समाप्त किया। ये इस तरीके से लिखा लिखा के पढ़ने में अच्छा लगता है स्लाइड में, लेकिन दिक्कत वही हो जाती है कि फिर लेट बहुत हो जाती है ना। ये टॉपिक तो मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि अगर मैंने लिखा के नहीं पढ़ाया तो आप ये चीज टर्म्स याद नहीं कर पाओगे, लेकिन सर ऐसे याद जल्दी होता है, जल्दी याद हो जाता है। चलो तो अपन ऐसे ही पढ़ा करेंगे, ठीक है, अभियान वगैरह हुआ करेंगे, कैंपेन तो वो जल्दी जल्दी पढ़ लिया करेंगे, क्या ऑनलाइन वाले नाट वो, अरे यार ऑनलाइन वालों का दुलास के सीन हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है। कोई ऑनलाइन है, कोई ऑनलाइन, देखो इधर कर दो, तुम आठ लोग हैं तो उनको कुछ पूछने दिया करो, मुझे कुछ बताने दिया। मोबाइल खोलने पे क्या हो जाएगा, लाइव उसी में, यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, उसमें दिखेगा, ऐप में दिखेगा, है ना। अरे इधर ही कर दो ना इसको मेरी तरफ, तुम अपना मोबाइल में खोल के मुझे दे दो। अरे देखिएगा, चलो हो गया भैया, लाइव वाले कुछ पता है उनके साथ भी गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, वो बेचारे कुछ भी पूछना चाहते होंगे तो। हाँ सर, रश्मित दुग्गल, हाँ सुनिएगा, देखो मैडम कि अर्ज ममालिक का जैसे बलवन ने एक विभाग बनाया जिसे बोलते सैन्य विभाग, और उसका नाम रखा उसने क्या, दीवाने अर्ज। अब दीवाने अर्ज क्या, सैन्य विभाग। अब सर जी वो सैन्य विभाग है तो किसी को तो उसका चीफ बनाएगा, तो चीफ बना दिया अपन ने किसको, अर्ज ए ममालिकात या फिर आरज ए ममालिकात। तो सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष चीफ होता था वो कौन होता था, आरज ए ममालिकात। अगर आपको समझ आ गया तो बता दीजिएगा, स्लाइड्स आर बेटर, हाँ रामा, चलो देखते हैं, ठीक है सर जी। अब सुनिएगा आप थोड़ा सा, कहां पे आ गए हम, प्रतिष्ठा पे। तो सबसे पहले क्या कर दिया उसने, तुर्काने चहलकानी को समाप्त किया, पहला सीन। अब उसने बोला कि ये उसी को सुल्तान मानेंगे जो कैसा होगा, कोई कुलीन होगा, उच्च वंश का होगा। तो कितने लोगों ने बताओगे कि फिरदौसी की रचना क्या है, फिरदौसी किसके समकालीन था, महमूद गजनवी, याद है ना। उसने बोला था कि तुम्हारे प्रत्येक छंद के लिए हम क्या देंगे, एक सोने का सिक्का देंगे, और उसने बहुत सारे लिख दिए। तो उन्होंने की फिर चांदी के ले लो, अरे उन्होंने की चांदी के नहीं लेंगे, तो उन्होंने की ठीक है अच्छे सोने के ले लो। तो बात समझ में आ गई। तो याद रखना, सहानामा एक रचना है किसकी, फिरदौसी की। और फर्जी ये रचना है तो इसका किसी के ऊपर तो रचना की गई होगी। तो इसमें एक ईरान का जो नायक, एक तरीके से किंवदंतियों में जो कहानियों में जो नायक होते हैं वैसे एक नायक, उसका नाम है अफरासियाब। क्या नाम है, अफरासियाब। अब कुछ भी अफरासियाब हो, अफरासियाब हो, अफरासियाब, वो एक नायक था। तो बलवन ने बोला कि सर हमको तुम हल्के में ले रहे हो क्या, वो तो मंगोलों ने लेके बेच दिया था हमको, इसलिए हम गुलाम बन गए, वरना हम कौन थे, अफरासियाब के वंशज हैं सर। और अफरासियाब काय का नायक है, फिरदौसी की सहानामा का। बात समझ में आ रही क्या, नायक हीरो, नायक जैसे कोई करे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कोई बुक लिखी जा रही है तो उसकी अपन अच्छी अच्छी चीजें गिनाएंगे, तो कोई पुस्तक होगी उसका हीरो कौन आएगा, अलाउद्दीन। जैसे रामायण का नायक कौन, भगवान राम। महाभारत का नायक कौन, पांडव लोग, किसने, वाहन वगैरह। तो एक ऐसी ही पुस्तक है क्या, सहानामा, इसका नायक कौन है, अफरासियाब। तो बलवन ने बोला सर आई एम नॉट अ टू स्मॉल, हम तो भैया कौन है, हमको कोई तुम छोटा मोटा व्यक्ति मत समझो, हमारे कद पे मत जाओ, हम तो अफरासियाब के वंशज हैं।
और इसका मतलब यह कि तुम हमें सम्मान दो। कुलीनों पे, कुलीनता पे बहुत ज्यादा बल देता था। कौन? बलवन। बलवन कहता है कि सर अगर मुझे कोई तुच्छ परिवार का व्यक्ति दिख जाए तो मेरी सारी नाड़ियां जो हैं वो क्या होने लगती हैं? धड़कने लगती हैं, खून गर्म हो जाता है और मेरा हाथ मेरी तलवार के मूठ पे चला जाता है। मूठ समझते हो क्या? तलवार की जो पकड़ने वाली बात, उसका मतलब समझ रहा है नहीं? कोई छोटी जाति का व्यक्ति भी देखूं, कोई छोटा व्यक्ति भी देखूं तो उसे मुझे तुरंत से मार देने का मन होता है। वो कुलीनता पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था। कहते हैं कि एक बार एक हिंदू व्यक्ति था, उसके लिए छोटी जाति से मतलब क्या है? गैर मतलब छोटे तुर्क लोग या पर हिंदू लोग या अन्य जैसे जो तुर्क नहीं थे हिंदुस्तानी मुसलमान, उसके लिए वो छोटी जाति के। एक बार क्या हुआ, हिंदू मुसलमान जो नया नया हिंदू था वो कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में, और बड़ा ही खतरनाक व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था। उसने बलवन का इतना बड़ा फैन था कि सर हमारी सारी संपत्ति ले लीजिएगा लेकिन बस मिल लो, हमसे एक मुलाकात कर लो। बलवन ने बोला नहीं सर, लेवल ही नहीं है तुम्हारा। बात समझ आ रहा है? तो ये कथा ने याद रखू कौन सा, कि जब मैं कभी भी कोई क्या निम्न तुच्छ कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा सारी नाड़ियां फड़कने लगती हैं और मेरा हाथ मेरी तलवार के मूठ पे चला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो कुलीनता पे बहुत ज्यादा भरोसा रखता था बलवन, हर बात पे मतलब अरे नहीं वही तुर्की अमीर चाहिए हमको, अरे तुर्की तुम हमारे लेवल के नहीं हो, ये वो फलाना ढिमका। बात समझ में आ गई? आपरा फिर आपसे इसने खुद को रिलेट कर लिया, पहला चीज। उसके बाद देखिएगा, हाँ ये ठीक है, इसके बाद देखना। अब जो उसने अगला कदम बढ़ाया, उसने बोला कि नहीं सर, कि सुल्तान कोई हल्का व्यक्ति नहीं होता है। सुल्तान कौन है? उसने कि जिल्ले इलाही। क्या हुआ है सुल्तान? जिल्ले इलाही। अब सर जिल्ले इलाही कौन? ईफर की छाया भैया, अल्लाह जिसको आप पूजते हो ना उसकी छाया है हम, गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले। अब जाइए क्या फुल इज्जत। अब वो बलवन नहीं है, लिवर लिवर करता था। अब बलवन बलवन नहीं, कौन है? जिल्ले इलाही। तो फिर जी अगली उपाधि क्या लेगा फिर ये? जिल्ले इलाही। अब भैया जिल्ले इलाही की उपाधि ले ली इसने, उनने की अच्छी वाइफ का मतलब ये लिख लो, ये भी ईफर की छाया है ना, ये तो सब आपको नोट से मिल जाएगा, परेशान मत हो। ईफर की छाया, कुछ नई चीज होगी मैं खुद ही बता दूंगा कि वो नहीं है। ईफर मिल जाएगा, ईफर की छाया। अब इतने से भी इसका मन नहीं भरा, उसने बोला मैं सिर्फ जिल्ले लाई नहीं हूं, मैं तो नियामते खुदाई भी हूं। अब फिर लोग सर ये नियामते खुदाई क्या? तो अगला क्या? नियामते खुदाई। उन्हें की नियामते खुदाई का मतलब खुदा का धरती पे प्रतिनिधि। उन्हें की सुल्तान का पद अल्लाह और पैगंबर के बाद अगर किसी का पद है तो किसका है? सुल्तान का है ना। इसलिए तो बुगरा खा से क्या बोलता है कि सुल्तान जो है निरंकुशता का क्या है? सजीव प्रतीक है। ये उसके कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो नियामते खुदाई का मतलब क्या? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, पृथ्वी पर ईश्वर, अरे कर्सर नहीं मानना, ईश्वर का प्रतिनिधि। याद होती जा रही है चीजें, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। खैर जिल्ले लाई और ये नियामते खुदाई। अब ठीक है फर्जी उसने, अब मैंने आपको बताया कि ईरान का कल्चर उस टाइम पे एक रिच कल्चर था, है ना, एक तरीके से एक आदर्श कल्चर था। हर शासक जो थे वो कैसा बनना चाहते? ईरानियों की तरह बनना चाहते थे। क्यों? उनका एकदम दिखावा बड़ा शानदार है, फिर लंबे लंबे मुकुट, है ना, बड़ी दाढ़ियां, शानदार कपड़े सोने से जड़े हुए, है ना, एक अलग ही अलग रस्म चलती थी। जैसे उन जनरली लोग क्या करते, नौरोज त्यौहार को मनाते थे। नौरोज एक शानदार त्यौहार था सर जी, शानदार, है ना, धमाके, बारूद चलाना, गुलाल लगाना, सारी चीजें। एक तरीके से ऐसा लगता था कि मतलब रईसों की पार्टी चल रही है ना। क्या बोलते हैं रईसों की पार्टी को? कोई बताया रईस या सारे गरीब है? देखिएगा सर, तो ये ईरान से बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। और तुर्कों ने क्या फारसी संस्कृति को बहुत ज्यादा संरक्षण भी दिया, है ना, ईरानी जो कल्चर है उसको संरक्षण तुर्कों ने बहुत ज्यादा दिया। अब फर्जी उसने क्या बोला? उसने कहा नहीं सर, जैसे ईरान के शासक करवाते हैं ना क्या कि सिजदा है, कि सिजदा तो ठीक है, नहीं सिजदा ही नहीं करोगे, पैवोफ भी करोगे। अरे मालिक रुक जा, उनकी पैवोफ क्या? उन्हें पैरों को चूमना। उन्हें की सिजदा क्या? दंडवत प्रणाम। उन्होंने कि ऐसे करके मालिक को एकदम लेट जाओ, साफ टांग जिसे बोलते हैं प्रणाम,
सारे अंग झुक जाए किसी के सामने, है ना। और क्या सर जी? पैवोफ, पैरों को चूमना। तो दो चीजें इसने स्टार्ट की, क्या? सिजदा और पावोफ या पैवोफ, है ना। मतलब देख रहा है तुर्क अमीरों के साथ कितना उन्होंने कि ये बहुत बने हैं। क्या नहीं झुकेंगे तब भी वो मार ही देगा, तब फोन पर छोड़ेगा वो, है ना। तो भैया उसने क्या कर दिया, अमीरों को झुकाने के लिए अपनी घुटनों के बर बैठ गया, साष्टांग प्रणाम करो हमको। उन्होंने कही ठीक है फिर कर लेंगे। उन्होंने कही नहीं, उसके बाद आप हमारे पैर भी चूमोगे। अभी तक जनरली मुसलमानों में एक वोजा करके एक शब्द आता है, आपको पता हो वोजा लेना? वोजा नहीं जानते हो? नहीं जानती हो? मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वोजा लेना नहीं जानते हो? किसी के हाथ को चूमना, जैसे पिता वगैरह होते हैं तो लड़के इस्लाम में क्या करते हैं, वोजा लेते हैं, पैर नहीं छूता वहां पे कोई, क्या करते हैं वो हाथ को चूम दिया, हाथ पकड़ लिया, आपने यहाँ लगी ले रखा है उन्होंने, आपने अपने गर्लफ्रेंड के हाथ चूमते हैं, ठीक है। लेकिन इस्लाम में क्या है, अपने से बड़ा कोई भी है, बड़ा भाई, बड़ा पिता, उसके क्या हाथ को चूमना, उसे बोलता वोजा लेना, है ना। अर्तरोल क्या? हाँ आंखों से, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चूम के ऐसे करके आंखों से लगाते हैं उनको। ये बाद का होता, ये तो बहुत बाद में कल्चर आया, ये अपने यहाँ होता है सर को चूमना उन्न की। मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो सुनो, क्या होता है जो बड़े छोटे लोग हैं वो हाथ चूमेंगे, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो आपने सर चूमेंगे उनका, आशीर्वाद के रूप में सर चूमते हैं। हाँ ये बाद का सीन है, पता नहीं छोटा आ गया पर हम चूम नहीं हो पाया, सर पॉसिबल ही नहीं है। जो छोटे होंगे वो हाथ चूमेंगे, है ना, ऐसे माथे से हाथ लगाएंगे, है ना। और जो बड़ा व्यक्ति होगा जैसे पिता वगैरह अपने बेटे वगैरह, माथे को चूमता है उसको, है ना। तो ये उसका कल्चर है, ठीक है। इतना हो गया क्या? याद हो गई उपाधियां बताएं सर जी? जिल्ले लाई और नियावते खुदाई। कौन सी दो ईरानी प्रथा स्टार्ट की? सिजदा और पावोफ। बात समझ में आ गई क्या? इतना हो गया। बम से किससे रिलेट किया खुद को? अफरासियाब हो गया। अब देखिएगा, अब उसने कि अभी भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने कि अब क्या करें, उन्होंने कि शराब छोड़ दी उसने, बलवन ने, उसने कि दारू को हाथ में लगाया, दारू अगर पी लेंगे तो कभी डले भी दिखाएंगे तो लोग हमको क्या एक अच्छी स्थिति मुद्रा में नहीं देखेगा। उसने कि हम हमेशा लोगों को सीरियस दिखें, इसके लिए उसने क्या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी जो है क्या बोलते गंभीरता को ठेस पहुंचाए, प्रतिष्ठा को ठेस। उसने दारू पीना बंद, उसने कोई डांस नहीं करेगा, कोई नाचेगा नहीं, कोई गाएगा नहीं, कर मजाक नहीं करोगे दरवाजा खाल उधड़वा लेंगे, उसने बोला हंसेगा भी नहीं कोई। सर कहते हैं कि एक बार दरबार में बैठा होता है, इतने में उसके पास खबर आती है कि शहजादा मोहम्मद मारा गया। तो उसने बोला ठीक है फिर अगला बताओ क्या हुआ। लेवल ऑफ मतलब देखो कितना टफ, मतलब कितना टफनेस उसने अंदर लाई। उन्होंने कहा ठीक है फिर पहली पहली बात सुन ली, अगला बताओ। कहते हैं बरनी लगता है, उसके बाद वो अपने कक्ष में फूट फूट कर रोया। बात समझ में आ रहा है? जब वो खुद अपने अकेले एकांत में पहुंच गया, उसके बाद वो बहुत रोया अपने बेटे के लिए। सबसे ज्यादा प्यार करता था सैयदा मोहम्मद से वो, मैं आपको बता दूं, लेकिन दरबार में नहीं हो। बोगरा खा तो नफेड़ी व्यक्ति और बोकरा ही था, काटने योग्य व्यक्ति था वो बिल्कुल एकदम, है ना। इतना हो गया क्या? इतनी सी चीजें फन में आ गई, बढ़ लें सर जी अब आगे। अब देख लो नोट्स वालों ने क्या दिया, कुछ नया तो मिल जाए तो देख लेते हैं। क्या अभी तक पढ़ा सारी चीजें आप? ग्वालियर विजय विजय उपाधियां बता चुका हूँ, जातीय फरिश्ता में आफरासियाब, चैलगानी समाप्त बता चुका हूँ सर जी। उसके बाद तुगरेल खां का विद्रोह, बुगरा खां को बंगाल का बना दिया, लखनऊ को लखनौती को विद्रोह का नगर, ठीक है सर जी। आगे बढ़िएगा, कौन? दीवान अर्ज बना दिया, इमादुल मुल्क को बना दिया, सिजदा पावो फिस्टार्ट, नोरोज त्यौहार मनाना है ना याद रखना। उसके बाद लोहे एवं कठोर रक्त की नीति है ना, लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया, अचानक वो फैजादा मोहम्मद मारा गया मंगोलों से लड़ते हुए। उसके बाद क्या है, अमीर कुफरो तफा तथा अमीर हसन देहलवी का जो अपना साहित्यिक जीवन है फैजादा मोहम्मद के टाइम से स्टार्ट किया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अमीर हसन देहलवी देखिएगा, उसके बाद क्या है, हाँ अब देखिएगा, अब बलवन जब बूढ़ा हो गया, बलवन जब बूढ़ा हो गया, उसने कहा ठीक है कोई तो उत्तराधिकारी बना नहीं पड़ेगा, तो उसने अपने लड़के से बोला बुगरा खां से कि आ जाओ बंगाल का सॉरी दिल्ली का सुल्तान, अब तुम ही बनोगे, हम बूढ़े हो चुके हैं। बुगरा खां बहुत डरता था बलवन से, उसने इतने ज्यादा ट्रेलर दे रखे थे वो ऑलरेडी, बल बुगरा खां, बुगरा खां नहीं पापा मार दोगे जितने भी तुमने बुलाए
एक भी लौट के नहीं आया दिल्ली से। तो बुगरा खान ने क्या कर दिया, बात समझ में आ गई क्या? अब इसका बड़ा लड़का कौन था? शहजादा मोहम्मद। अब वो तो मर गया, तो उसका लड़का था कै खुफरो। कौन? कै खुफरो। सुनो तो यार, एकदम नहीं सर हमारी चलेगी, सुनो। शहजादा मोहम्मद का लड़का कौन? कै खुफरो। अब फर्जी उसने कै खुफरो से बोला कि कै खुफरो को उसने बोला कि अब हमारा उत्तराधिकारी कौन? कै खुफरो। उसने कि हमारा बड़ा लड़का मर गया है और छोटा तो ऑलरेडी इतना ज्यादा डर रहा है, तो एक काम करो कि जो शहजादा मोहम्मद का लड़का है कौन? कै खुफरो, उसको उसने क्या बना दिया? अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और उसके बाद जो है बलवन अल्लाह को प्यारे हो गए, 1280 में निपट गए। ठीक है, अब बलवन के कुछ कथन है उन्हें याद रखो। उत्तराधिकारी किसको बना दिया, याद रखना ये चीज। कै कुबाद नहीं है, कै खुफरो है। शासक वो बात अलग है कि अगला कौन बनेगा मैं बता दूंगा, देखिएगा। अब इसकी कुछ कथन है याद रखिएगा। वो कहता है कि राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है सर, है ना, और समस्त मनुष्य जाति उसके मनुष्य जाति में कोई उसके समान नहीं है। उनने कही कि सर जो राजा का जो हृदय है वो क्या है? ईश्वर का विशेष कोष, मतलब विशेष उस पर कृपा रहती है, विशेष कोष है वो। और उसने की पूरी मनुष्य जाति में कोई भी ऐसा है नहीं जो सुल्तान की या राजा की समानता कर पाए। एक तरीके वो इसलिए बोल रहा है कि ताकि कोई और विरोध विद्रोह ना करे, इसलिए उसने की टेंशन में मत रहो। वो अपने अमीरों से बोलता था, मैंने किसी को षड्यंत्र पूर्वक मारकर या किसी को जहर देकर मैंने राज गद्दी नहीं पाई है, मैंने अपनी क्वालिटी पे पाई है। मुझे ईश्वर चाहता था कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूं। कौन सा तर्क था ये, देखिएगा नेक्स्ट उसका। वो कहता है एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। उसने की एक अच्छा राजा हूं ना, उसको तो ईश्वर की जरूरत नहीं है। मतलब वो राजा को इतना ताकतवर बना रहा, कहीं ना कहीं अगर बात अगर सुनोगे कि दिल्ली सल्तनत जब से स्टार्ट हुई, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी सुल्तान ने सुल्तान के पद को इतना प्रतिष्ठित किया तो किसने किया? बलवन ने। और इसी प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष से कौन पहुंचा देगा? अलाउद्दीन। दुनिया की हर नाइक चीज पर जिसका अधिकार है वो कौन? अलाउद्दीन। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे ही डायलॉग है ना, दुनिया की हर नायब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का अधिकार हक है। देखिएगा ये कथन इनके याद कर लेना ना, जनरली रटने नहीं होते हैं, बस कनेक्ट करने के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ इनने बोला था। उसके बाद देखिएगा, राजा को इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य शब्द या क्रियाकलाप को मान्यता दें और उसकी प्रशंसा करें। और ये चीज वो ये भी दिखाता कि बहुत ज्यादा निरंकुश नहीं था, जनता के प्रति भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समर्पित रहता था। मैं अगर पर्सनली बात करूं, दो तीन लोगों पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता हूं, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी और बाबर। ठीक है, अकबर पसंद नहीं है, अकबर तो ये दिमाग लगा के छल कपट करते हैं। या किसी को दुश्मन बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सामने से मारो ना, सामने से दुश्मन बनाओ। हाँ, एमबीडी समझदार व्यक्ति हूं मैं, लेकिन मूर्ख था। बहुत ज्यादा अच्छाई एक मीठा जहर है। किसी विद्वान ने बोला है कि अगर आप ज्यादा अच्छे हो तो इसका मतलब या तो आप बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे या बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे। ये रियलिटी है सर। मैं अब अभी आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा जलालुद्दीन खिलजी, रो पढ़ोगे उसकी कहानी सुनगे, ऐसी स्थिति है सर उसकी। टाइम अभी है ना, देखिएगा इसके कथन हो गए। उत्तराधिकारी किसको बना दिया? कै खुफरो को। लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि कै खुफरो शहजादा मोहम्मद की तरह अच्छा व्यक्ति था। और उसने बोला कि फिर से कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, बलवन की तरह रूल करेंगे, सुल्तान का पद फिर से बढ़ जाएगा। और अमीर हमेशा इस जुगाड़ में रहते थे कहीं ना कहीं सुल्तान हमारी कठपुतली बन के रह जाए, तो अमीर हमेशा से इसी जुगाड़ में रहते थे। बात समझ में आ गई क्या? तो उनने बोला कै खुफरो मंगोल आ रहे हैं, जल्दी जाओ उत्तर पश्चिम में। और उसको मुल्तान और कहां भेज दिया? लाहौर भेज दिया, वहां का सूबेदार बनाकर। उनने बोला ठीक है भैया, कैकुबाद जिंदाबाद। उनने कि कैकुबाद राजा है हमारा, और कैकुबाद को गद्दी पर बिठा दिया। अब फिर प्रश्न उठेगा कैकुबाद कौन? तो मैं आपको बता दूं, कैकुबाद बुगरा खां का लड़का है। किसका? बुगरा खां का। कै खुफरो किसका लड़का था? शहजादा मोहम्मद। अच्छा मैं आपको बता दूं, वो खुद को आफ्रासियाब वंश का बताता था, और ये कै खुफरो, कैकुबाद, क्यूमर्स ये उसी वंश में राजा हुए थे। तो उसने अपने नाती पोतों के नाम भी उसी के नाम पर रख दिया। अब जैसे मान लो मैं सलमान खान को पसंद करता हूं, तो मैं अपने एक लड़के का नाम सलमान खान रख दूं, दूसरे का साहिल खान, तीसरे का सलीम खान, चौथे का सोहेल खान, है ना, इस तरीके से कर दूं। मतलब किसी से आप इन्फ्लुएंस हो तो उसी के शासकों के नाम रख दूं। बात समझ में आप आ रही है क्या? जैसे कुछ लोग अपने मुस्लिमों में नाम रख देते अपने लड़के का, क्या हातिम, क्योंकि वो उनसे प्रभावित होंगे। किसी ने किसी अपने नाम लड़के का नाम रख दिया राम, किसी ने श्याम रख दिया। तो ऐसे इसने ईरानी शासकों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे। बात समझ में? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही हूँ? तुम्हारा नाम क्या है?
प्रियंका, प्रियंका शब्द का अर्थ क्या होता है पता होना चाहिए, इंटरव्यू से आपसे यही पूछा जा सकता है। सबको अपने अपने नाम का अर्थ पता है? नहीं तो मुझे लिख के दे दो, मैं कल ढूंढ के लाऊंगा। ढूंढ लेना, इतने आलसी मतलब। हाँ मैडम आपका भी ढूंढना था, ढूंढना था। देखिएगा, चलो इधर आ जाओ। तो शासक को कौन बना दिया? कैकुबाद। अब ये कैकुबाद क्या कुफरों क्या बलवन के संरक्षण में पले 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 थे, तो ये क्या थे? बड़े ही पप्पू टाइप बना दिया था उसने इनको। शराब को हाथ नहीं लगाओगे, लड़की की तरफ देख मत लेना, आंखें निकलवा लेंगे तुम्हारी। तो मतलब कैकुबाद की तो ये सीन था, कैकुबाद का ये सीन था कि उसने इससे पहले जीवन में किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, फुलदान बनने से पहले। दारू तो उसने देखी भी नहीं थी, बलवन का इतना स्ट्रिक्ट मतलब नियम थे उनके लिए। अब जैसे क्या होता है, या तो किसी को वो चीज मिलनी चाहिए या फिर कभी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। जो लोग ज्यादा दबे होते हैं ना, कहते हैं ना किसी चीज को ज्यादा प्रेशराइज करो एकदम फट जाती है वो चीज। तो कैकुबाद को क्या इतना रोका गया, और जैसे ही बाहर निकला, अच्छा ये दारू होती है लाओ, शराब शराब उसको जो चाहिए था उसने दबा के किया। तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे उनने करवाया, स्पेशली एक व्यक्ति का नाम है निजामुद्दीन, है ना, तुर्क अमीर होता, उसने कैकुबाद को बर्बाद कर दिया। फिर शान ताकतवर लड़का था, तीर कमान शस्त्र विद्या में निपुण, हर कुछ पढ़ा लिखा, क्योंकि बलवन ने तैयार किया था। लेकिन दिक्कत बस यही थी, उसको कभी कुछ नहीं मिला था, और देख के एकदम पगला गया, और पगला गया बहुत ज्यादा। दारू पी उसने, शराब पी, तो उसको क्या मार गया? लकवा मार गया। बोलिएगा क्या मार गया? फिर लकवा मार गया। अब लकवा मारा तो उसका एक लड़का था, किसका? कैकुबाद का क्यूमर्स। कैकुसरो किसका लड़का था? शहजादा मोहम्मद का लड़का था। उसके बाद कौन? कैकुबाद। कैकुबाद बुगरा खा का लड़का है, जो बलवन के बाद सुल्तान बना। उसके बाद कौन? क्यूमर्स, जो कौन किसका लड़का है? कैकुबाद का। अब क्यूमर्स बहुत छोटा था, उसको सुल्तान बना दिया उसने, इसको लकवा मार गया है, और क्यूमर्स को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया दिल्ली का। अब इसके बाद एक सीन होता है कि जब कैकुबाद रूल कर रहा होता है, उस टाइम में उसने अपना सेनापति बना दिया होता है, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। बात समझा कि किसको बना दिया? जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक है। कैकुबाद ने, याद रखिएगा, कैकुबाद ने अपना सेनापति किसको बना दिया? जलालुद्दीन खिलजी। और क्यूमर्स का संरक्षक बन गया कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कहते हैं कि बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को मारकर क्या कर दिया? खिलजी वंश की स्थापना कर दी। और जब वो थे ही कौन, कैकुबाद ऐसे हो गए थे टेढ़े मेढ़े, तो उनको कहते हैं कि उनके एक खिलजी सिपाही ने उनको उन्हीं के चादर में लपेट के यमुना नदी में फेंक दिया। बात मतलब मार दे, इस तरीके से बलवन का वंश कंप्लीट खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? बलवन कंप्लीट हो गया, कितने लोगों को समझ में आ गया और कितना बता दो मुझे, कितने लोग यहाँ पे खड़े हो के ऐसे ही बता सकते हैं? अरे सर मजाक मत किया करो फालतू में, मैं तो आधा फेस सुन के भूल गई या भूल गया, है ना। अब पूछने की पूछ लूँ थोड़ा, ऑनलाइन वाले कहाँ, इधर मुंह कर दो इनका, ऑनलाइन वाले भैया जवाब देना। विनोद मेहर आपको हो सकता है कल तक जो है, हाँ जो है मिल जाएगा आपको, क्या नोट्स मिल जाएंगे, है ना। और ये कौन है? प्रणय अवस्थी, बिल्कुल। फिर बारीदे मुमालिक, हाँ उसने, कहते हैं कि बलवन की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और उसने गुप्तचर विभाग की, गुप्तचर विभाग था बरीदे मुमालिक, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था बरीद, जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। कहते हैं कि कोई पति पत्नी क्या बात कर रही है इसका भी पता होता था बलवन को, इतनी सुदृढ़ उसकी गुप्तचर व्यवस्था थी। उसने जो सरदार थे उसके एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, आप हमें शादी नहीं करोगे, तुम क्या आपस में शादी कर लेते हो, ताकतवर हो जाते हो फिर हमसे लड़ते हो, तो उन्होंने कहा तुम आपस में शादी नहीं करोगे। एक दूसरे को जो भोज देती है ना, इनविटेशन वगैरह, उन्हें आओ खाना खाएंगे, पार्टियां होंगी, उन्हें पार्टियां नहीं करोगे वाले, अकेले अकेले खाओ। हाँ ताकतवर व्यक्ति चिढ़ते तो उसे सभी थे, इसीलिए तो बलवन के मरते उसका वंश खत्म हो गया। देख नहीं रहे, इतना ताकतवर व्यक्ति थोड़ा भी नहीं चला, है ना। बात समझ में आ रहा है कि आ रही है क्या, है ना। तो ये सारा सीन है, हो गया क्या कंप्लीट? हाँ बरीदे मुवालिक, वही चाहिए, बरीदे मुवालिक क्या गुप्तचर विभाग है, उसका अध्यक्ष कौन? बरीद। अगर किसी को याद नहीं हो तो देख लो, ऐसे बोलते हैं बरीद, है ना। एक्चुअल में क्या, जब अपन, मैंने ये जितने भी आपके विभाग हैं, जब दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगी तो ऑलरेडी नोट्स में डाल दिए, सीकेएम से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, सदर फदूर कौन है, फला व्यक्ति कौन है, है ना, किसने कौन कौन सा विभाग का निर्माण किया, सब मिल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा पूछ लिया जाए, ऑनलाइन वाले भी सुनाइएगा, है ना। इधर आ जाओ, देखिएगा
हसन निजामी का पुस्तक का नाम क्या है ऑनलाइन वाले और तुम लोग भी? ताजुल मासिर। हसन निजामी, निजाम राया, राया के ऊपर ताज, तो ताजुल मासिर। बात समझ में आ रही है क्या? अमीर कुफरों ने अपना दरबारी जीवन कहां से स्टार्ट किया? बलवन के लड़कों का नाम बताओ। बुगरा खां और फैजादा मोहम्मद। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। अब बताओ अमीर याकूर किसके किसके शासन काल में बना था ये? अच्छा मैंने बताया नहीं था आपको अमीर याकूर वाला। रुक जा। अमीर याकूर होता क्या ये बता दो बस। एक्चुअल में ये अमीर याकूर बन गया था बहराम शाह के टाइम पे, है ना। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा अमीर शिकार किसके टाइम पे बना था? सरे जादार का मतलब क्या होता है? है ना, साई जो अंगरक्षक होते हैं उनका चीफ। बात समझ में आ गई। रोहेम रक्त की नीति किसके खिलाफ चलाई? मेवात। अच्छा मुझे बताइए बंगाल में उस टाइम ने किसने विद्रोह किया था? तुगरेल खां। सर जी उसको दबाने के लिए किसको भेजा? अमीन खां। कहां का शासक है वो? एक तरी इक्तेदार है। बात समझ में आ गई क्या? और पश्चिम में अपने दोनों लड़कों को भेजा था, बता दिया मैंने आपको, है ना। किसने किस विभाग की स्थापना की? किस दीवाने अर्जिया, दीवाने आरिज। ठीक है सर जी। किसको बिठाया उसने? इमादुल मुल्क को। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अतार किन का दरवाजा किसने बनवाया था? अब चुप रहो जीतू भैया। कहां बनवाया था? नागौर, है ना। नागौर। याद है कुछ? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने, ना, गौरी के कहने पे। ठीक है, पर कहां पे बनवाया? कॉन्फिडेंस से बोलो यार। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। ठीक है सर जी। और ऐबक ने क्या बनवाया था, कौन बताएगा? टॉम। टॉम का नाम बताओ। रुक जाओ सब। टॉम का नाम बताओ। मस्जिद मतलब टॉम क्या नाम था? टॉम तो मकबरा होता है, मस्जिद को मॉस्क बोलते हैं ना। टॉम मकबरा होता है, मकबरा यानी जहां को गाड़ा जाता है। मस्जिद मकबरे में अंतर है। अच्छा ये बोल रही हो आप? हाँ हाँ। कौन से मकबरे का निर्माण किया उसने? सब चुप रहना, चुप रहो ना। बताइए आप, बताइए। सुल्तान गढ़ी, है ना। सुल्तान गढ़ी उसने अपने लड़के के नाम पे, है ना, बनाया। और ये भारत में स्थित पहला मकबरा है सर जी, और इसीलिए इसको मकबरे शैली का जनक कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या सर जी? और फिर इसने एक मस्जिद बनवाई थी, क्या? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यानी कि इस्लाम की ताकत कुव्वत दिखाने के लिए उसने कहां पे मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में। जैन मंदिरों को तोड़ा अजमेर में, वहां से अफसेस लेके आया, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवा दी। बात समझ में आ गई क्या? क्या अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहां पे बनवाया? अजमेर में बनवाया। वो किसको तोड़ा था? संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनाया था अजमेर का? बीसल देव का नाटक अरकेली। बहुत बढ़िया। सारे लोग क्यों नहीं बता रहे हो? हरकेली, है ना, ये नाटक का नाम है। अच्छा मुझे अब कौन बताएगा? अच्छा थोड़ा सा अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके? अलबरूनी के बारे में। अच्छा उसके कथन याद रखना, दो कथन है उसका। एक तो भारत के बारे में सिर्फ दो ही चीजें सही हैं। पहला क्या कि यहाँ का ये धनी प्रदेश है, और दूसरा क्या, यहाँ के राजपूत फिर कटाने के बाद भी युद्ध करते हैं। दूसरा फिर इसका एक इंपॉर्टेंट कथन और है, क्या कोई बताएगा? कि भारत के लोगों में ये बहुत बड़ी गलत फहमी है सर। उनको ऐसा लगता है उनका राजा विश्व का सबसे महान राजा है, उनका शस्त्र विश्व का सबसे महान शस्त्र है, और उनका विज्ञान विश्व का सबसे ज्यादा महान विज्ञान है। ये कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, है ना। उनको मतलब उसने बोला भारतीयों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनको ऐसा लगता है जो उनके पास है वो कहीं है ही नहीं है। अगर एक बार कोई चीज अशुद्ध हो जाती है तो वो फिर वही त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको दोबारा शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते। ये अलबरूनी ने भारतीयों के बारे में बोला गया।
अच्छा मुझे कौन बताएगा अलबरूनी का बचपन का नाम? अब चुप रहना सब, सब चुप रहो, कोई ज्ञानी नहीं बनेगा, सारे एकदम से रामापितेकस। रामापितेकस क्या था? जब मानव का विकास हुआ उस विकास के कड़ी में पहला व्यक्ति कौन? रामापितेकस। याद है ना ये भूल गए। अच्छा बताइए मैडम, आप सब चुप रहो, आप बताओ अलबरूनी के बचपन का नाम। सब चुप रहे ना, कोई एक दूसरे पे पूछेगा नहीं, कसम है। आप बताओ, आप मैडम आई नहीं थी, आप नहीं आई थी, आप बताओ। अबू रेहान याद है ना, खारिज में जिसका जन्म हुआ था, बताया था ना, ईरान 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 ईरान। खारिज में शाह का लड़के का नाम क्या था? खारिज में शाह के लड़के का नाम क्या था? जलालुद्दीन मकबरनी। किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। ठीक है सर जी, अब बताइए मुझे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? सब चुप रहोगे, मतलब मुसलमानों में किसने पहली बार भारत में? अरबों ने, है ना? हाँ हाँ वही अरबी। अब सुनो, भारत में पहली बार सफल आक्रमणकारी मुस्लिम सफल आक्रमण किसने किया? 712 मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम भी सर अरबी है, याद रखना, वो भी अरबी है। भारत में पहली बार तुर्क आक्रमणकारी कौन? सब चुप रहोगे, आप नहीं आई थी क्या? गलत बात है सर, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप बताएंगे मैडम भारत पे पहली बार सफल तुर्की आक्रमणकारी कौन? सब चुप रहोगे, आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? इसी का नाम लेने, इसी का है ना, बताइए इसी का जी। भारत पर पहला सफल तुर्की आक्रमणकारी कौन? बहुत बढ़िया है ना, मोहम्मद गजनबी। अगला क्वेश्चन आपसे है, आप बताइए कि भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन? मोहम्मद गौरी। आप बताएंगे वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। बात समझ में आ गई क्या? इतनी सारी क्लियर है ना, गुलामों का गुलाम कौन? क्लियर है ना सारी चीजें? और पीछे चलें क्या? मेलुआ किसका नाम है, आप बताएंगी मैडम? आप बताएंगे सर। अब अगला क्वेश्चन आपसे, बताइए लोथल किस नदी के किनारे है? बहुत बढ़िया, आप बताएंगे उसकी खोज किसने की? गलत, आप बताओ किसने लोथल की खोज की थी? भैया आप बताएंगे सबसे पीछे, आप बताओगे यस के बाजू वाले? लोथल की खोज आई नहीं थी आप? यस तुम बताओ, ऋषभ बताओ। क्या यार अब तो जहर हो गया, आप में से किसी को पता है क्या? किसको पता है? रंगनाथ राव। यार क्या दिमाग लगाना है, अब आप बताओगे? 12:30 बजे तक मेरी क्लास रहती है एक्चुअल में, आप डालते नहीं हो। हाँ अब मैं आता ही हूँ, कितने बजे? 11:20 पे तो आता हूँ मैं, बच्चे नहीं मिलते आपको, मैं कम से कम इतना तो पढ़ाऊंगा यार, सर से मैंने बोला था, मैं पूछे बिना जब तक पूछता नहीं हूँ मेरा मन नहीं मानता यार, सेटिस्फेक्शन नहीं हो। याद भी तो होना चाहिए तुम्हें, मैं कितना भी पढ़ा के चला जाऊँ, भले ही मैं आपको 5% हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अगर मैंने आपको 5% याद करा दी वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं आपको 100 पढ़ा के जाता हूँ, आपको 5 भी याद नहीं है तो बेकार है मेरा पढ़ाना। इसी बात पे आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट। हाँ मांडा सर, उसकी किस नदी के किनारे है? सब चुप रहोगे, आप बताइए, आप बताइए किसने खोज की? बहुत बढ़िया है ना, कहाँ है आप बताइए? मांडा, जम्मू कश्मीर। दक्षिणतम बिंदु बताइए सर, साउथ ईस्ट, साउथर्न पॉइंट। आपने पढ़ा नहीं है, आप बताएं। डायमाबाद रचना, उसकी खोज किसने की? इस ये चीज, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ दो बंदों को याद है, एक इसको कपिल नाम है ना, और उसको राजदीप, राजदीप नाम है क्या? राजदीप, दो बंदों को याद रहता है, तुम्हें याद है? मैं जितनी बार पूछा इन दोनों ने जवाब दिया। रुक जाओ, काय का खोज किया आरएलएफटाइन ने? फुट टांगे डोर की। अब एक प्रश्न आगरी पूछूंगा,
भास्कर तुम बताओगे, भास्कर बताइए किस नदी के किनारे? बहुत बढ़िया, है कहाँ पे ये? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान के दो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल बताओ, सिर्फ दो ही थे, मेहरगढ़ एक हो गया, ठीक है दूसरा बताओ। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है सर जी। क्या है अफगानिस्तान को भी बताएगा? गलत। बहुत बढ़िया, क्या नाम है तुम्हारा? राम गुर्जर। देखना राम ने बताया क्या, फोर्तगोई और मुंडिकाक, यही दो स्थल है अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। दिलमन माकन सागौन के अभिलेख, सागौन के अभिलेख में लिखा है कि मेसोपोटामिया का व्यापार कहाँ कहाँ होता है? दिलमन माकन और मेलुआ से होता है, ये उसमें लिखा है। हो गया क्या सर जी, सबको याद है? सरकार कुछ बताओगे? पढ़ाई कहाँ से पढ़ा है तुमने ये बताओ। मध्यकाल कहीं से भी पूछ ले, ठीक है सर। आबू का युद्ध बताओ कब हुआ था? सब जब कोई कब हुआ था कुफन सुनो। हाँ अब रुको, बता दो, नहीं बता दो तब तक, 1178 में नायिका देवी भी हुआ था। रुक जाओ, पहला आक्रमण गौरी ने कब, अरे यार सुन तो लिया कर, बोलने नहीं देती हो तुम मुझे। मेरे साथ यही हो गया कि तुम मुझे कभी बोलने नहीं देती हो। नाम बताओ पहले तुम अपना। सुमन, सुनिएगा, सुमन मतलब फूल, तो फूल जैसा बिहेव करो ना, काहे लिए जहर हो रही हो। अच्छा है, अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। नहीं नहीं आप अच्छे हो मुझे पता है। सुनिएगा, मुल्तान में 1175 में आक्रमण किया है, 1178 में कहाँ आक्रमण किया है? वही गुजरात अभियान है उसका, और 1178 में युद्ध हुआ है। लो आप कह रही है कि 79 में कहाँ किया है? पंजाब का शासक कौन था उस टाइम में, मुझे इतना बताओ। मुफरब मलिक, जो गजनी वंश का अंतिम व्यक्ति था। चलो ठीक है, धन्यवाद, कोई बात नहीं है।